हम लोग का जो बैठक सतत स्थायी समिति की बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने 149 वार्ड तक जो भी कच्ची गली नाला का जो परियोजना है, हम लोगों ने उस कच्ची गली नली का योजना लिया है। बहुत जगह वार्ड में जहाँ पे अभी कच्ची गली है और ना पे नाली की भी सुविधा नहीं है, और वहाँ पर हम लोगों ने जो अभी देखते होंगे अगलगी की घटना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोगों ने पंप हाउस पे हाइड्रेंट लगाने का विचार किया है, तो ये भी हम लोगों का पास हुआ है। और जैसे कि बहुत शहर के चारों कोना पर है, कहीं पर आग लग गई तो पानी लेने के लिए आने के लिए फायर ब्रिगेड को जो कलेक्ट्रेट में आना पड़ता है, उतना समय भी लगता है, समय की बर्बादी होती है। तो अगर ये पंप हाउस में अगर ये हाइड्रेंट लग जाता है तो पानी लेने में भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से लेके लोन जा सकते हैं। हम लोगों ने ये भी कहा है कि इसको जोन वाइज, जैसे चार फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो चारों मतलब जोन में रहे कि वहाँ से जाने में कहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आए दिन आग लगता है, आग लगी की घटना होती है तो वहाँ पर परेशानी नहीं हो। अभी बहुत जगह की रोड जो है हम लोगों ने कालीकरण की योजना में लिया है, हनुमान मंदिर से लेके ये मुक्ति धाम वाला जो रोड है वहाँ का हम लोगों ने कालीकरण इसमें लिया है, नाली का रोड का। ये ब्रह्मपुरा जो है ब्रिज बिहारी गली है वहाँ का हम लोगों ने रोड का लिया है कालीकरण की, कैसे वहाँ पर रोड हो जाए। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर वार्ड 7 में भी जो है वहाँ पर भी रोड है टूट कालीकरण की, हम लोगों ने कालीकरण का हम लोगों ने लिया है। और बहुत रोड पर भी जो ऐसे कि अभी जाम की समस्या रहता है, जाम की समस्या रहती है कि ऑटो रिक्शा जो भी ट्रैफिक लाइट तो बन गया, ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, लेकिन जो ऑटो रिक्शा वाले हैं जो अतिक्रमण से है किसी को निकलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आदमी कैसे उस वहाँ से निकले, और जब तक आदमी निकलता है वो रेड सिग्नल हो जाता है। तो ये भी प्रमुख समस्या है। अभी हम स्कूलों पर भी हम लोगों ने विचार किया है, हम लोगों के नगर निगम में बहुत सारे स्कूल है जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है, शौचालय की भी व्यवस्था भी नहीं है, तो जो जो परेशानी जो पर है लोग बच्चे लोग को परेशानी नहीं हो, बच्चे लोग वहाँ पर सही ढंग से बच्चे भी वहाँ पर हमें मतलब कि आ रहे हैं उन लोगों की पढ़ाई, मतलब इस सब पर भी हम लोग का ध्यान है कि कैसे जो नगर निगम में अंतर्गत आने वाले स्कूल है उस पर भी हम लोग ध्यान दें। गोपालगंज कुचायकोट थाना क्षेत्र के भवाल खुटवनिया में अगाव में आग लगने से करीब 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस घटना में 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान घरभरण राम में हुई। घरभरण कुचायकोट थाने के भवाल खुटवनिया गांव के निवासी थे। यह आग कैसे लगी अब इसका पता नहीं लग पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ी और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस मामले में कुचायकोट थाना अध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि आग लगने से करीब 35 घर जलकर राख हो गए, जिसमें 65 वर्षीय घरभरण राम की मौत हो गई और कुछ लोग आंशिक रूप से झुलस गए। इस घटना में करीब दर्जनों मवेशी जलकर मर गए और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना स्थल पर कुचायकोट अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। कुचायकोट अंचल पदाधिकारी ने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकार से मिलने की वाली सहायता है। तो हमको भी सूचना मिली, हम नरकटियागंज में थे तो स्थानीय स्तर पर हमको फोन किया, तो तुरंत अग्निशामक को हम लोग ने फोन किया और तुरंत कुछ कर गया। समय तो लगता है आने आने में, समय लगा है, लेकिन हमारे अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, हमारे स्थानीय मुखिया जो हैं और काफ़ी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जो सहयोगी हैं, काफ़ी मिलकर कोशिश करने के बाद 91 घर का पता लगा है कि 91 घर जल गया है। उसके लिए हमारे सांसद के साले भी आए थे, हमको आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, शादी विवाह का दिन है और बारातों रात से रोड थोड़ा जाम मिलता है, तो अभी हम पहुँचे हैं तो हमने सारा निर्देश दिया है। अभी मुखिया जी के माध्यम से खाना बन रहा है सभी लोगों का, कल सुबह में प्लास्टिक भी चलाएगा और राशि के लिए भी हमने आपदा प्रबंधक से बात किया है, DM से भी बात किया है। कल कोशिश होगा कि जो इन लोगों को एक बर्तन के लिए और कुछ राशि जो दिया जाता है घर ठीक कराने के लिए, यानी 98-98 सौ रुपया कल सभी को हम कोशिश कर रहे हैं कि वितरित हो जाए। कल सुबह में भी चिवड़ा मीठा की व्यवस्था हो गया है, खिचड़ी का व्यवस्था हो गया है, बाकी तो आपदा प्रबंधक है, ईश्वरीय देन है। अब कोई कह रहा है कि घर में खाना बनाते से जला, कोई कह रहा है कि बिजली के तार गिरने से हुआ, तो ग्रामीण कह रहा है कि हम लोग कई बार इसका आवेदन भी दिए हैं लेकिन अभी तक बिजली विभाग की तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और यहाँ पे हादसा पहले भी हुआ था, आज जो घर जो जला है बिजली विभाग की कार्रवाई के कारण। इसके संबंध में आपके सामने ही हमने स्कूटी इंजीनियर बिजली विभाग से बात किया, हमने कहा कि यदि कोई डिफॉल्टर है तो उसको दुरुस्त कराया जाए, और वायरिंग का मांग है तो उनका कहना है स्थानीय मुखिया जो एक पिटीशन हमको दे देंगे तो प्रस्ताव को हम भेज देंगे,
हमने कहा कि भाई प्रस्ताव को भेजिए, आप जो आपका MD हैं उनसे, हम जब थे हम आपका पर्यटन विभाग में तो हमारे MD रहे हैं वो, तो उनसे भी हमारी अच्छा संबंध है, हम भी बात करके उनसे आपको ये व्यवस्था करा देंगे ताकि वायर वाला जो तार हो जाए कि ताकि किसी घर में टूटने पर अग्निकांड ऐसा नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी हम करवा रहे हैं एसकोटी इंजीनियर से करके और MD साहब से करके बात करके ये सब करवा देंगे। तो समय लगेगा क्योंकि बिखो जा रहा है, महिला के जहवर जा रहा है, गेहूँ धान जा रहा है, इसमें तो देखा जाए तो 15-12 लाख का संपत्ति जा रहा है, बहुत काफ़ी चीज़ जा रहा है सर, इससे बहुत सारी संपत्ति जा रहा है। बताइए बैरिया प्रखंड में गाड़ी अग्निशमन की है? नहीं जी, यहाँ नहीं है सर। अगर क्या कहिएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोग को लाजिम में गाड़ी चाहिए यहाँ पे। अच्छा। कि आग लगे तो वो कंट्रोल कर सके, शायद गाड़ी रहती तो आग में काबू, बहुत बहुत फायदा होता हम लोग का, बहुत जल्दी बुझ जाता आग। कितना घर जला लगा? यहाँ पे 50 से 60 घर जल चुका है। क्या नाम पड़ेगा आपका? आप, मेरा नाम निहाल खान पड़ेगा। आपका कहिएगा कैसे लगा? जी हम कहेंगे यही कि सरकार का जो लापरवाही है, ये लापरवाही पर सरकार एक्शन ले और अपने अधिकारी लोगों को सजग सतर्क करे ताकि आम जनता को अच्छा से अच्छा विकास कार्य में हेल्प करे और मुसीबत के समय हर एक मटेरियल लेकर तट पर खड़ा रहे। और आग जो लगा इसमें मवेशी भी जला है? मवेशी से लेकर जेवर कागजात और सारा जितना भी मतलब है, गेहूं वगैरह खेती का भी जितना मटेरियल था उस पार से, जो लोग अभी कट के सीजन में रखे तो वो टोटल अनाज खाने का जितना भी मंसूरी जो दाल।